हेलो दोस्तों, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज मैं सारा वैकेंसी की डिटेल्स पिछली वीडियो में नहीं दे सकी दोस्तों। ये है पार्ट टू वीडियो। इस वीडियो में मैं बाकी वैकेंसीज कवर करूँगी। तो दोस्तों, ये जो स्कूल से वैकेंसी की डिटेल्स आया हुआ है, उसका नाम है शुभाशिनी गर्ल्स हाई स्कूल मालबजार वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है ये। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों 16 अगस्त 2024 को 12 नून पे। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा फॉर असिस्टेंट टीचर अगेंस्ट मैटरनिटी लीव वैकेंसी। फीमेल के फीमेल जनरल कैटेगरी में रिक्वायरमेंट है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। बीएड प्रेफरेबली बोला गया है, तो बीएड मैंडेटरी तो नहीं है दोस्तों, अगर है तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। अगर इंटरेस्टेड रहो तो सारा डिटेल्स लेकर के आप लोग असिस्टेंट टीचर फॉर पॉलिटिकल साइंस इंटरव्यू देने जा सकते हो 16 अगस्त को। एंड आप लोग वहाँ पे बात कर लीजिएगा दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम करना पड़ता है। एंड आप लोग अगर आप लोग अपना वैल्यूएबल टाइम पे करोगे मैटरनिटी लीव वैकेंसी के अगेंस्ट पे, तो आप लोगों को जाननी पड़ेगी दोस्तों कि आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। एंड सैलरी अच्छे से जान लीजिएगा, फिर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों DH स्वामी प्रणवानंदा सेंटेनरी स्कूल से है। इसका लोकेशन हो जाएगा दोस्तों डायमंड हार्बर ब्रांच, डायमंड हार्बर हो जाएगा इसका लोकेशन, साउथ 24 परगनास वेस्ट बंगाल, अंडर भारत सेवाश्रम संघ है ये स्कूल दोस्तों। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए DHSPCSSCC1@gmail.com, और भी एक दिया गया है DHSPCSTNL1@gmail.com। वेबसाइट डिटेल्स चेक कर लीजिए DHSPCS.in पे जाकर के आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए 7908702502, और भी दो नंबर दिया गया है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो फर्दर डिटेल्स के लिए। यहाँ पे TGT फॉर क्लासेस 6 to 10 के लिए रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन विद 50% आप लोगों का होनी चाहिए विद बीएड। PRT 1 to 5 के लिए रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों का 50% मार्क्स होनी चाहिए विद DLED। प्री प्राइमरी टीचर्स का भी रिक्वायरमेंट है फॉर हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स विद मदरसरी ट्रेनिंग और TTC। फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों फॉर BPED और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स। ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे कुछ ऑफिशियल स्टाफ का भी रिक्वायरमेंट है। HR मैनेजर, आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन विद मैनेजमेंट डिग्री और डिप्लोमा होनी चाहिए है। स्कूल काउंसिलर का भी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन साइकोलॉजी विद रिलेवेंट क्वालिफिकेशन इन काउंसिलिंग। एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, रिसेप्शनिस्ट अकाउंटेंट कैशियर के लिए रिक्वायरमेंट है। रिसेप्शनिस्ट का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर एफिशिएंसी एंड कंप्यूटर स्किल्स इन इंग्लिश बंगाली एंड हिंदी। अकाउंटेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों बीकॉम ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज फॉर अकाउंटिंग। कैशियर के लिए भी रिक्वायरमेंट है बीकॉम ग्रेजुएट विद कंप्यूटर नॉलेज फॉर अकाउंटिंग, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। सैलरी एज पर रूल्स दिया जाएगा, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, प्लीज़ अप्लाई थ्रू मेल और सबमिट डायरेक्टली। तो डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो ये लोकेशन पे DH स्वामी प्रणवानंद सेंटेनरी स्कूल अंडर भारत सेवाश्रम संघा डायमंड हार्बर ब्रांच, डायमंड हार्बर साउथ 24 परगनास वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है। और ये जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे आप लोगों को CV सेंड कर देनी पड़ेगी दोस्तों। CV के साथ साथ एक छोटा सा कवर लेटर ज़रूर अटैच कीजिएगा एंड सब्जेक्ट लाइन पे अपना नाम एंड पोस्ट का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। जल्द से जल्द आप लोग सेंड करें, सारा डिटेल्स सबमिट कीजिएगा, ठीक है। सेंटेनरी स्कूल है दोस्तों, अच्छी खासी सैलरी दिया जाएगा यहाँ पे, सैलरी एज पर रूल्स दिया जाएगा। तो आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे मैटरनिटी लीव वैकेंसी है बामनग्राम HMAM हाई स्कूल से, बामनग्राम मालदा वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है ये। असिस्टेंट टीचर का रिक्वायरमेंट है मेल फीमेल में, BSc होनी चाहिए आप लोगों का लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस में असिस्टेंट टीचर का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। आप लोगों को आप लोगों का BEd होनी चाहिए है, OBC A कैटेगरी में रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आप लोगों का OBC A ही कैटेगरी होनी चाहिए। अगर अदर्स कैंडिडेट OBC A कैंडिडेट नहीं होते हैं दोस्तों, देन अदर्स कैटेगरी में लिया जाता है, ठीक है। मैटरनिटी लीव वैकेंसी है दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को कह दी हूँ कि आप लोग वैल्यूएबल टाइम पे करेंगे तो आप लोगों को जाननी चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं, एंड सैलरी ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। विद इन 10 डेज आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा दोस्तों, ये जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पे आप लोग सारा डिटेल सेंड कर दीजिए एप्लीकेशन विद ऑल एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़,
ठीक है। यहाँ पे तो दिया नहीं गया है दोस्तों, एप्लीकेशन ओनली बोला गया है, तो आप लोग नहीं भी दे सकते हो, एप्लीकेशन ज़रूर अच्छे से लिख करके विद इन 10 डेज सेंड कर सकते हो। आप लोग CV आप लोग अटैच कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, श्यामा प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बीएड कॉलेज से है, जिसका लोकेशन हो जाएगा राजा राममोहन रॉय रोड कोलकाता। यहाँ पे बीएड में पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड फिजिकल साइंस में रिक्वायरमेंट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का। आप लोगों का मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, एमएड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, नेट और सेट और पीएचडी होल्डर आप लोगों को होनी चाहिए। CV आप लोग सेंड कर सकते हो SIET recruitment@gmail.com पे विद इन 5 डेज बोला गया है। CV के साथ साथ एक छोटा सा कवर लेटर ज़रूर अटैच कीजिएगा दोस्तों। वैकेंसी आई हुई है श्यामा प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कॉलेज से, बीएड कॉलेज है दोस्तों, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, PM3 केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ से है, पानागढ़ में जो वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है KVS से। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है PGT मैथ्स केमिस्ट्री एंड TGT मैथ्स PRT के लिए रिक्वायरमेंट है एंड काउंसिलर ऑन 16 अगस्त यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। ये है यहाँ पे हिंदी में अपडेट दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। सुबह 10 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगी 16 अगस्त 2024 को, और यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम बोला गया है 8 AM, फिर से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेगी दोस्तों, वेरिफिकेशन चलेगी। आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर के जाइएगा एंड सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज भी लेकर के जाइएगा ऑल एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स का। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को बोला गया है panagar.kvs.ac.in पर जाकर के ज़रूर आप लोग सारा डिटेल्स चेक कीजिएगा एंड एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा करके उसको फिल करके लेकर के जाइएगा अलॉन्ग विथ योर ऑल नेसेसरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एक आधार प्रूफ, एक आधार कार्ड ज़रूर लेकर के जाइएगा, कोई भी एक ID प्रूफ आप लोगों को लेकर के जानी ही होगी दोस्तों। ये मेंशन नहीं रहता है बट कुछ कुछ स्कूल्स में मांगा जाता है, तो ज़रूर लेकर के जाइएगा। PM3 केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ की वैकेंसी है, जिसका लोकेशन हो जाएगा ईस्ट वर्धमान वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, वो है PM3 केंद्रीय विद्यालय सेवक रोड सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है दोस्तों। ये यहाँ पे PGT फिजिक्स एंड मिसलिनियस दैट मीन्स काउंसिलर का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे काउंसिलर के लिए दोस्तों साइकोलॉजी में आप लोगों का मास्टर डिग्री होनी चाहिए है, तो यहाँ पे आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू KVS नॉर्म्स आप लोगों को अप्लाई करना होगा, PGT के लिए मास्टर डिग्री ज़रूरी होता है, ठीक है। 13 अगस्त 2024 सुबह 9 से ही यहाँ पे इंटरव्यू शुरू हो जाएगी, आप लोग पहुँच जाइएगा वेन्यू पे, केंद्रीय विद्यालय सेवक रोड सिलीगुड़ी सालूगारा जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सेंड करनी है विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। www.sevakroad.com.kvs.ac.in पर जाकर के आप लोग फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हो दोस्तों। बायोडाटा फॉर्मेट डाउनलोड करके वो फिल करके आप लोगों को लेकर के जाना होगा ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, ट्यूजडे 13 अगस्त को इंटरव्यू होगी दोस्तों PM3 केंद्रीय विद्यालय सेवक रोड, जिसका लोकेशन हो जाएगा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। तो ये थी आज की अपडेट दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल पे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।